मिला। तो आज का मेरा रिव्यू है ये पैनासोनिक का जूसर मशीन। पैनासोनिक का जूसर मशीन आपको यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ और फिर मैं आप, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ऊपर फोम दिख रहा होगा, तो ये फोम है, ये साइड पर रख देते हैं। और सबसे पहले तो ये हमें कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उनको पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये हमें क्लीनिंग ब्रश दिया हुआ है, मैं सारा निकाल देती हूँ, बस इतना ही है। और मैं आप लोगों को ये बाद में लगा कर और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सा हैवी है, ये थोड़ा सा हैवी है, तो ये भी हम इस पे लगा कर दिखाएंगे। तो इसमें आप कोई भी मिल्क शेक वगैरह या फिर कोई भी आप लोगों को फ्रूट चाट के लिए अगर क्रीम व्रीम अगर आप लोग घर में बनाना चाहें तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। और हमारे पास फिर ये है, तो इसका जो लॉक है वो तो ऐसे खुलेगा, इसका लॉक यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड पर भी है। तो फिर हम इसका, एक मिनट मुझे खड़ा होना पड़ेगा, तो ये जो है वो इसका इतना खुल गया है लॉक। और फिर आप इसके अंदर से यहाँ पर जूस वगैरह के लिए आप ये भी रख सकते हैं, कुछ भी स्पाइसेस वगैरह बनाने के लिए आप इस पर लगाएं। और फिर मैं अभी ये रखती हूँ और एक मिनट। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हमें एक ही दिया हुआ है जूस के लिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी फ्रूट आप डालते रहेंगे ना तो आपको इससे पुश करना होगा अंदर, और फिर यहाँ से आपका जब जूस निकलेगा तो आपको यहाँ पर सिंक लगाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को लगा देना होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है क्लीनिंग ब्रश, जिससे अगर आप लोगों को कुछ भी साफ करना होगा तो आप इससे साफ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एक झाली है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये खुलने का नाम नहीं ले रहा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है वो प्लास्टिक का है, आप लोगों को ग्लास नजर आ रहा है, लेकिन नहीं ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। तो इसे मैं साइड पर रखती हूँ। और ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगी तो ये इस तरीके से खुल सकता है, और आप इसके अंदर कुछ भी सरफ वाला पानी वानी कर सकते डाल सकते हैं, और फिर आप इसे इस तरीके से यूक्लीन कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें जो है वो आप लोगों को इतने सारे कांटे नजर आ रहे होंगे, ब्लेड्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, तो ये हमें हाथ से करने के लिए नहीं है, वरना फिर हमारे हाथों पर जख्म हो जाएगा। तो ये जो है वो ये हमें क्लीनिंग ब्रश इसके लिए दिया है, जिससे हम इसे साफ कर सकते हैं। और आप लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो झाली है वो बहुत ही मजबूत है, अच्छी सी अच्छी क्वालिटी है। और फिर जो है वो मैं आप लोगों को लाइट, मतलब जैसे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी लगा कर ये जूसर मशीन वगैरह सब चीज़ें लगा कर बताऊंगी। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई जो कि ये है, आप लोग सोचोगे इसका तो कैप ही नहीं है, हमको तो कैप ही नहीं दिया, नहीं हमें कैप दिया है। इसमें लॉक भी लगा सकते हैं, बस आप लोगों को ऐसे ऐसे करना होगा। लेकिन ये जो है ना ये आप लोगों को हुक दिया हुआ है, ये खुल नहीं सकता, बस ये ऐसे ऐसे आप लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ तक ये इतना ही था, और फिर मैं आप लोगों को जूसर मशीन वगैरह ये सब चीज़ें लगा कर बताऊँगी इसमें, फिर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है, बटन Yeah.
तो हमारे यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हमारा ना हो चुका है और मैं भी आप लोगों को ग्लास में डाल के बताती हूँ। मैं भी ग्लास लेकर आती हूँ 2 मिनट। यहाँ पर मैं ग्लास लाई हूँ, अब बोल रहा हूँ इतनी देर के ग्लास में कैबिनेट में रखे तो होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ये देखें हमारा ग्रीन और अजीब से कलर में, जैसे जैसे गंडेरी का जूस नहीं होता, जैसे शुगर केन का होता है वैसा ही ये उसका कलर। और मैंने इसके अंदर सेब, गाजर, खीरा सब मिक्स कर लिया। और ये अभी मैं पी के चेक करती हूँ, बाकी सबको तो मैंने पिलाया, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मैं पी के चेक करती हूँ, मज़ेदार है। बस इसको जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ना ठंडा ठंडा होना चाहिए तो बहुत अच्छा है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग डाइटिंग करते तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और सबको पिलाएं। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने स्पाइसेस वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसके अंदर मैंने गार्लिक प्लस जिंजर पेस्ट बनाया है। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और मैंने जो है वो मिर्ची और धनिया को मिक्स करके, ये मिर्ची और धनिए का मिक्सर इसमें डालेंगे। ये आप लोग बताइए मुझे कमेंट में क्या है।